1841 के आसपास अंग्रेजों ने नैनीताल को खोज लिया और यहाँ के अच्छे ठंडे वातावरण के कारण अंग्रेज परिवार यहाँ बसने लगे। ऐसे ही एक अंग्रेज परिवार में जिम कॉर्बेट यानी एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट का 25 जुलाई 1875 को जन्म हुआ। जिम कॉर्बेट के पिता क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट आयरिश मूल के ब्रितानी नागरिक थे और वो नैनीताल में पोस्ट मास्टर के रूप में तैनात थे। क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट की अचानक मौत हो जाने के बाद उनके बड़े बेटे टॉम को नैनीताल का नया पोस्ट मास्टर बनाया गया। जिम कॉर्बेट को सबसे अधिक प्रेम अपनी बहन मैगी से था। बहन मैगी के साथ उनका रिश्ता पूरी जिंदगी भर का रहा और एक साथ दोनों भाई बहन ने नैनीताल में अपने जीवन की शुरुआत की। नैनीताल के प्राकृतिक माहौल ने, आसपास के जंगलों ने जिम कॉर्बेट के जीवन में एक नया रंग भर दिया और नेचर के प्रति उनके लगाव को बढ़ा दिया। अपनी युवा अवस्था में जिम कॉर्बेट रेलवे में नौकरी करने के लिए मोकामा बिहार चले गए, लेकिन जल्दी ही जिम कॉर्बेट का मन मोकामा से भर गया और वो वापस नैनीताल आ गए। ये वो दौर था जब कुमाऊं गढ़वाल के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बाघों और तेंदुओं का आतंक छाया हुआ था। टाइगर और लेपर्ड्स गांव में घुसकर आदमखोर बन के लोगों पर हमला कर रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। इस बात से चिंतित होकर सरकार ने जिम कॉर्बेट को एक शिकारी के तौर पर कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र में भेजा और यहाँ से जिम कॉर्बेट का शिकारी के तौर पर एक लंबा सफर शुरू हो गया। सन 1905 में कुमाऊं के चंपाव क्षेत्र के आसपास के गांवों में एक बाघ ने आतंक मचाया हुआ था। ये बाघ नेपाल क्षेत्र से चंपावत के गांवों में घुसा और 436 लोगों को मार चुका था। जिम कॉर्बेट ने 1907 में इस टाइगर को मार गिराया। बहादुर नाम का एक स्थानीय नागरिक जो कालाढुंगी के आसपास का रहने वाला था, हमेशा जिम कॉर्बेट के साथ उनकी शिकार यात्रा में रहता और जिम कॉर्बेट का सबसे बड़ा एक और साथी था उनका कुत्ता रॉबिन। ठंड के दिनों में जिम नैनीताल से हल्द्वानी चले आते और कालाढुंगी के पास उन्होंने एक घर ले लिया था। वो अपनी बहन मैगी के साथ ठंड में वहीं रहते। जिम ब्रिटिश फौज के साथ प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले चुके थे। ये अनुभव उनके जीवन में आगे बहुत काम आया। इसी दौरान गढ़वाल क्षेत्र के रुद्रप्रयाग में एक लेपर्ड ने आतंक मचा रखा था। उसने 125 लोगों की जान ले ली थी। जिम कॉर्बेट अपनी बंदूक लेकर वहां पहुंचे और सन 1926 में उन्होंने इस आदमखोर लेपर्ड को मार डाला। कहा जाता है कि जिम कॉर्बेट ने करीब एक दर्जन से ज्यादा आदमखोर बाघों को मारा था, लेकिन ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। जिम कॉर्बेट ने जब मारे गए आदमखोर बाघों की जांच पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि वो बाघ पहले से ही घायल थे, जिन पर इंसानी चोटों के निशान थे। इंसान ने उन्हें घायल किया था, यानी इंसान उनके इलाकों में दाखिल होकर उनसे संघर्ष कर रहा था और इसी संघर्ष का परिणाम था कि वो इंसानी टोलियों की तरफ आक्रमण करने लगे थे। यहाँ से जिम कॉर्बेट की सोच में एक बदलाव आने लगा और उन्होंने सोचा कि अगर इंसान को बाघ से दूर किया जाए तो बाघों की जान को बचाया जा सकता है और उन्हें आदमखोर होने से रोका जा सकता है। कहते हैं टनकपुर में एक रात जब वो शारदा नदी के किनारे बैठे थे, उन्होंने एक अद्भुत लाइट को, एक रोशनी को चमकते हुए देखा और इस चमक के बाद कहीं ना कहीं एक अंतरात्मा में एक परिवर्तन की दिशा आगे बढ़ी और जिम कॉर्बेट एक सच्चे बाघों के संरक्षक के तौर पर सामने आए। 1920 में जिम ने सिने फिल्म नाम का एक कैमरा खरीद लिया, जिससे वो जंगल और जानवरों की फिल्म बनाने लगे। इससे जंगल का डॉक्यूमेंटेशन होने लगा और जिम को जंगल गहराई से समझ आने लगा। 1936 में जिम ने अंग्रेजी सरकार को लिखा कि बाघों को संरक्षण देना जरूरी है, उनको बचाने के लिए एक नेशनल पार्क बनाना बहुत ही आवश्यक होगा। इस बात का असर ये हुआ कि सरकार ने 1936 में रामनगर के पास के एक बड़े जंगल को वन संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया। जिम कॉर्बेट ने मैनेजर्स ऑफ कुमाऊं, माय इंडिया, जंगल लोर जैसी किताबें लिखी जो उस दौर के कुमाऊं गढ़वाल के बारे में एक दस्तावेज है। 1947 में जिम कॉर्बेट अपनी बहन मैगी के साथ केन्या चले गए और 1955 में वहीं उनका निधन हो गया। हेली नेशनल पार्क, जो आजादी के बाद रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाने लगा था, उसका नाम 1956 में जिम कॉर्बेट के सम्मान में बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया।